हर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है। और बातें और सीधे प्रोग्राम बनाकर हमारे पास दे जाते हैं, सोचते हैं कि सीपी सिंह जाएगा कहाँ, आना तो ही है। अगर राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय या और महोदय से टाइम लेना पड़ता है, उनके अनुसार बन जाता है प्रोग्राम। अब संयोग ऐसा देखिए कि तीन तीन प्रोग्राम एक साथ हो गया, तो मैं सोचा कि पहले जो हमारा नजदीक वाला था पहले उसको कर ले, फिर यहाँ कर ले। एक जगह जाते हैं तो तीन जगह से फोन आते रहता है। अभी बीएनआर होटल में प्रोग्राम चल रहा है, वह 11 बजे से आ गया। तो अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकास के उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसकी कल्पना हमारे जैसे व्यक्ति ने कभी नहीं किया था, और उसी का यह परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। मैं कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो वो भी देखा है दिन कि लोग गैस का सिलेंडर लेकर के और लाइन में खड़े रहते थे, 200-300 की भीड़। अब सोचिए कितना कष्ट होता होगा उस समय जब किसी मैदान में, खुले मैदान में वर्षा हो रही है या धूप है, और आप जैसे जैसे पड़ता है तो आप देखते हो कि मैं अभी यहाँ से उस पोजीशन में नहीं बताऊंगा, लेकिन पता नहीं इसमें बैठे हुए लोग लगता है इससे नहीं गुजरे इंसान, लेकिन चलते फिरते आँख से तो जरूर देखे होंगे मैं गुजरा हूँ। तब मैं विधायक नहीं था, और विधायक रहने के बाद भी मुझे याद है कि गोडाउन से लाने का अवसर मिला है मेरे को, क्योंकि गैस वाले कंपनियां वो सोचते थे कि भाई जाएगा कहाँ, गैस तो हम ही से लेना है इसको। और आज भी कहीं कभी होता है भैया, मैं इस मामले में बड़ा ये करता हूँ भैया, पता नहीं गैस वाले लोग भी बैठे हैं बोले नाराज हो जाएंगे। तो देखता था कि वो आगे बढ़ा, फिर गैस का सिलेंडर उठा के फिर आगे रखा, मैंने गैस का सिलेंडर लेके कितना स्टेप बढ़ता होगा। अचानक कह देता है कि गैस तो खत्म हो गया, फिर बेचारा वापस सिलेंडर लेकर स्कूटर में बांध के, मोटरसाइकिल में बांध के, साइकिल में बांध के, कोई रिक्शा पर, कोई देखेगा तो माथा पर लेके जा रहा है। आज ये स्थिति ठीक हुई है। और ये चीज वाजपेयी जी के समय भी हुआ था, वाजपेयी जी के समय में हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं उस समय भी देखता था कि गैस वाले घर घर जाकर के और दरवाजा नॉक करते थे,